पोशमाल गिंदने घायलो लो। खोखले तन्ने में इतनी जगह होती है कि एक साथ इसमें कई लोग बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे हाथ में बारिस्तान उर्दू की तीसरी किताब है और आज का सबक जो है वो मैंने इसी बुक से लिया है, इसी किताब से लिया है और सबक का नाम है चिनार। जैसे आप देख रहे हैं चिनार मेरे पीछे है और बच्चों को आसान तरीके से हम चिनार कैसे पढ़ाएंगे और उससे हमको कौन कौन से फायदे मिलते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सबक चिनार। चिनार कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। इसका कश्मीरी नाम बूंज है। ये बहुत खूबसूरत होता है। इसका तना मोटा और शाखें बड़ी बड़ी होती है। इसके बड़े बड़े पत्ते पंजे के मानंद होते हैं। इस दरख्त का साया घना होता है। खजां के मौसम में इसके पत्ते जर्द और फिर सुर्ख हो जाते हैं। उस वक्त चिनार का दरख्त ऐसा दिखाई देता है जैसे इसमें आग लग गई हो। इस मौसम में पत्ते गिरने लगते हैं और दरख्तों के नीचे पत्तों के ढेर लग जाते हैं। कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग हैं। हजरत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है, इसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने लगवाया था। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के चार कोनों पर चिनार के चार दरख्त हैं, इसे चार चिनारी कहते हैं। चिनार के पत्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बच्चे खुशी खुशी इन पत्तों के साथ खेलने लगते हैं। बच्चे इन पत्तों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आइसक्रीम कोन, फूल वगैरह वगैरह। बच्चे चिनार के नीचे मोहब्बत भरे गीत गाते हैं। रिंद पोशमाल गिंदने ध्राइलो लो, रिंद पोशमाल गिंदने ध्राइलो लो, सरगम के मीठे मीठे सुर बोलो। रिंद पोशमाल गिंदने ध्राइलो लो। चिनार की लकड़ी बहुत से कई कारावत चीजें बनाई जाती है। चिनार की उम्र बहुत लंबी होती है, ये कई सौ साल तक हरा भरा रहता है। जब चिनार ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो इसका तना खोखला हो जाता है। खोखले तन्ने में इतनी जगह होती है कि एक साथ इसमें कई लोग बैठ सकते हैं। इस किस्म के खोखले तन्ने वाले चिनार कश्मीर में मौजूद हैं। लोग चिनार के गिरे हुए सुर्ख पत्तों को जलाकर कोयला बनाते हैं और इन कोयलों को सर्दियों में कांगड़ियों में डाला जाता है। हम चिनार की छाऊ में बैठकर धूप और गर्मी से बचते हैं। बागों में रौनक बढ़ जाती है। चिनार के दरख्त में बड़ी कशिश है। चिनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। चिनार का दरख्त काटना या इसे नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है। हमें चिनार की हिफाजत करनी चाहिए। हमें चिनार को बचाना होगा क्योंकि ये पेड़ कश्मीर की शान है और ये हमको बहुत सारे फायदे देता है। तो आज का सबक हमने बहारिस्तान उर्दू से लिया है, जो हमारी उर्दू की तीसरी किताब है, और जो उनवान है वो हमने सबक नंबर 2 चिनार से लिया हुआ है, जो आपको सफा नंबर 11 पे मिलेगा। यहाँ पे आप ये चिनार देख सकते हैं और यही जुमले जो इस पे लिखे हैं वो हम आपको एक्ट करके बताएंगे। प्रैक्टिकल में हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे जो भी इस सबक में, इस अनुमान में लिखा गया, और साथ साथ हम इसकी मशक जिसमें अल्फाज माना, इस जिसमें सवाल जवाब, जिसमें ये दो हरफी अल्फाज के सा हरफी और चौ हरफी अल्फाज बनाए, ये भी है।
ये मैचिंग, ये खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से भरिए, बाकी अमली काम जो इसमें दिया गया है, तो सारा हम इसमें ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं। जैसे हम अल्फाज माने पहले करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है खजां, खजां मीन्स पतझड़, जो पतझड़ का मौसम होता है तो उसको खजां बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम कराएंगे। मानंद मतलब जैसा, जर्द मतलब पीला, सुर्ख मतलब लाल, तो ऐसे हम सारे ये अल्फाज माने कराएंगे, जैसे कारामद, फ़ायदामंद, हरा भरा, सरसब्ज, खोखला, खाली पोसीदा, या खदो आमद जैसे जसामत। जैसे अगर हम इनको सवाल जवाब लिखाने होंगे, चिनार को कश्मीरी जबान में क्या कहते हैं, जैसे चिनार को कश्मीरी जबान में बूंज कहते हैं, तो ऐसे ही जवाब हम सवाल का जवाब बच्चों को लिखा सकते हैं।